शुभ मौके पर काले रंग से परहेज किया जाता है। ऐसे में आप अपनी बहन के भविष्य की मंगल कामना अगर करते हैं तो आपको उसे रक्षाबंधन के दिन काले रंग का कोई भी गिफ्ट नहीं देना है। खासकर कपड़े तो बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि घर की बेटी लक्ष्मी होती है और ऐसे में आप अगर उसे तोहफे में जूते चप्पल देते हैं तो हिंदू धर्म में इसे अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं कि ऐसे तोहफे देने से रिश्तों में भी दूरी आती है। घड़ी का संबंध समय से होता है। उपहार में आप घड़ी देते हैं तो इससे समय का दोगुना असर भाई और बहन दोनों के रिश्ते पर पड़ता है। हो सकता है आप अगर अब तक आसानी से मिल पाते थे तो इस तोहफे के बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास समय ही नहीं रहेगा। वास्तु के अनुसार घड़ी तोहफे में देने से बचना चाहिए। इसके अलावा शीशे तो गलती से भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। जब आप किसी को शीशा गिफ्ट करते हैं तो वो उसमें खुद को देखता है तो इसे वास्तु दोष की नज़र से देखा जाता है। मानते हैं कि जिसे आप शीशा गिफ्ट करते हैं उसके मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ने से डरने लगता है। किसी को रुमाल या स्कार्फ जब आप गिफ्ट करते हैं तो वास्तु के अनुसार आप उसके लिए कष्टों की कामना कर रहे हैं, आप उसका बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन बहन को रुमाल या स्कार्फ गिफ्ट करने से बचें। जाते जाते आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर इस साल बड़ा कन्फ्यूजन है। इस बार 2 दिन की राखी है, 30 अगस्त की भी और 31 अगस्त की भी। अगर आप 30 अगस्त यानी कि आज राखी का त्यौहार मना रहे हैं तो किस समय अपने भाई को राखी बांधें, ये भी आपको बता दें कि राखी बांधने का कौन सा समय उचित है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा के साई में मनाया जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी जिसके चलते त्यौहार 2 तिथियों में बट गया है। रक्षाबंधन 30 अगस्त की रात और 31 अगस्त की सुबह मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में भाई को राखी बांधना वर्जित माना गया है। एक प्रचलित कथा के मुताबिक सूर्पनखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी और लंकेश का पूरा साम्राज्य उजड़ गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भद्रा काल में एक ऐसा पहर भी है जिसमें आप भाई को राखी बांध सकते हैं? जी हाँ, ज्योतिषविद ने बताया है कि 30 अगस्त को शाम में 5:19 से भद्रा पुचिच आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 6:31 पर होगा। विशेष तिथि में रक्षाबंधन मनाने वाले भद्रा पुचिच काल में भाई को राखी बांध सकते हैं। इस अवधि से चूकने वालों को रात 9:02 के बाद जब भद्रा समाप्त होगी तभी राखी बांधने का मौका मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।